हेलो दोस्तों, संकल्प स्टूडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हरीश भानुशाली फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम सीखेंगे कैसे हम लाइट बॉक्स मिनी फोटो स्टूडियो बना सकते हैं केवल 50 रुपए से भी कम खर्च में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो आइए कुछ नया सीखते। दोस्तों, अगर आपको आपके प्रोडक्ट की क्लोजअप फोटोग्राफी करना हो तो उसके लिए अच्छी रोशनी होना जरूरी है और लाइट बॉक्स मिनी फोटो स्टूडियो एक अच्छा ऑप्शन है। यह लाइट को बिल्कुल सॉफ्टली और एक सलीके से आपके ऑब्जेक्ट पे डालता है। प्रोफेशनल लाइट बॉक्स महंगा हो सकता है लेकिन आप घर पर ही इसे कम खर्च में बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लाइट बॉक्स मिनी फोटो स्टूडियो बना सकते हैं केवल 50 रुपए से भी कम खर्च में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक कोरोगेटेड बॉक्स और दो ट्रेसिंग पेपर और एक वाइट कार्ड पेपर और एक वाइट पेपर टेप और चिपकाने के लिए गम और टेप, एक कैची और कटर काटने के लिए और एक स्केल मेजरमेंट के लिए और एक पेंसिल मार्किंग के लिए। यह सारी वस्तु जमा करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले यह इस तरह का एक कोरोगेटेड बॉक्स लीजिए और इस बॉक्स के आगे के ये चार फ्लैप है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसे इस तरह कट कर दीजिए और फिर चारों ओर एक सरी का मार्जिन छोड़कर इस तरह लाइन ड्रॉ करें और इस तरह बॉक्स के तीन साइड ड्रॉ करें और इस लाइन पे से एक कटर से इस तरह कट कर दीजिए और इस सेंटर के पीस को निकाल दीजिए और इस तरह बॉक्स के तीनों साइड कट करें। और फिर एक पेपर टेप लेकर इस तरह सभी जगह बॉर्डर पर चिपका दें और इसके बाद एक ट्रेसिंग पेपर लेकर उस पे मार्किंग करके इस तरह कट कर लीजिए। और इस ट्रेसिंग पेपर को बॉक्स के अंदर से फेविकॉल लगाकर इस तरह चिपका लें। और इसी तरह बॉक्स के दूसरे बाजू भी चिपका ले और इसी तरह बॉक्स के तीसरे बाजू भी चिपका ले। और इस तरह बॉक्स के तीनों साइड में लगाने के बाद एक कार्ड पेपर को इस तरह बॉक्स की साइज में कट कर ले और इस कार्ड पेपर को इस तरह ऊपर की साइड सिर्फ बॉर्डर पे फेविकॉल या टेप की मदद से इस तरह लगा दे और इसके बाद इस तरह सेट करके नीचे भी टेप लगा दे और इस बॉक्स के तीनों ओर से इस तरह जो भी लाइट आपके पास अवेलेबल होगी उसे लगा दे। और बॉक्स में अपना प्रोडक्ट रखकर अपने लाइट को अलग अलग एंगल में रखकर इस तरह शैडो को सेट करके यूज कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक मिनी फोटो स्टूडियो घर पर ही बना सकते हो। तो ये तैयार हो गया आपका लाइट बॉक्स मिनी फोटो स्टूडियो। तो आपने देखा कैसे बहुत ही कम समय में लाइट बॉक्स मिनी फोटो स्टूडियो कैसे बनाया जाता है। और अगर आप इसी तरह के कुछ और नए वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए संकल्प स्टूडियो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए संकल्प स्टूडियो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।